भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से बौखला रहा था चीन, इसरो चीफ ने तोड़ डाली उनकी अकड़। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने इसरो की उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया। इसरो चीफ सोमनाथ ने दी बड़ी खुशखबरी, इसरो के प्लान से दुनिया हैरान। दोस्तों, चीन कह रहा था कि भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा ही नहीं था। चीन के टॉप स्पेस साइंटिस्ट ने दावा किया कि भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर लैंडिंग नहीं की है। दोस्तों, चीन ने यह दावा तब किया जब भारत अपने यान को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इसरो चीफ ने चीन की अकड़ निकाल करके रख दी है। दोस्तों, इसरो चीफ ने जो कुछ कहा है उससे चीन छोड़िए अमेरिका और यूरोप को भी मिर्ची लग सकती है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि चंद्रयान 3 फिलहाल सुप्त अवस्था में है, नींद के अंदर है, और उसे जगाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये उम्मीद हर बीतते पल के साथ में धुंधली होती जा रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिक लगातार उसे संपर्क साधने की कोशिशें कर रहे हैं, रेडियो वेव्स वहां पर भेजी जा रही हैं, लेकिन वहां से कोई भी सिग्नल वापस नहीं आ रहा। इसी बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, यानी कि चंद्रयान 3 ने जो कुछ किया है वो इसरो के लिए एक बोनस पॉइंट है। उन्होंने कहा कि अगर प्रज्ञान अब नहीं जागता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। भारत ने 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर ली है, और इसी के साथ भारत वहां पर उतरने वाला पहला देश और चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन चुका है। प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर खूब चहलकदमी की है और काफी सारा डेटा इसरो को भेजा है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर रात होने की वजह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। लेकिन दोस्तों, 2 हफ्ते बाद भी उनकी नींद फिर से नहीं खुली है, लिहाजा दोस्तों अब इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत ने अपना चंद्र मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और वो इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। इसरो के वैज्ञानिक हालांकि अब भी लगातार लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि वहां पर पावर जनरेट होने की वजह से फिर से ये रीएक्टिवेट हो सकता है। हालांकि वहां अब तक पूरी तरह से रेडियो साइलेंस बना हुआ है, वहां से कोई भी रेडियो सिग्नल रिपीट होकर के धरती पर नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि अगर ये नहीं जागा तो फिर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रोवर ने वो कर दिखाया है जो उससे अपेक्षा की गई थी। मतलब दोस्तों, इसरो चीफ पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अब चांद के ऊपर भारत के राजदूत बनकर के रहने वाले हैं। ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, जो काम दिया गया था वो पूरा हो चुका है, जो खोज वहां पर हुई थी उनका पूरा डेटा भारत के पास में आ चुका है। अगर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर जागते तो ये हमारे लिए और बोनस पॉइंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इससे इसरो बिल्कुल भी निराश नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब इसरो ने जो ऐलान किया है वो सबके होश उड़ाने वाला है। दोस्तों, सूरज की स्टडी करने के लिए भारत आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुका है। जापान के साथ मिलकर के भारत अब एक और नया मून मिशन लॉन्च करने वाला है, और वो होगा चंद्रयान 4, जिसको लेकर के पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जापान के वैज्ञानिक इसरो के दफ्तर में डेरा जमा चुके हैं और लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है। वहीं दोस्तों, शुक्र ग्रह के रहस्यों को जानने के लिए भारत नवंबर महीने के अंदर एक बड़ा मिशन लॉन्च करने वाला है। इसके साथ ही भारत कम बजट में सैटेलाइट लॉन्च करने का एक्सपर्ट बन चुका है, और इसके लिए एक और रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाना है। दोस्तों, स्पेस सेक्टर में भारत के लिए अनंत संभावनाएं हैं, और कहा यह जा रहा है कि भारत $600 अरब के इस मार्केट के ऊपर बहुत जल्द बड़ा कब्जा करने वाला है। दोस्तों, इसरो चीफ ने आगामी इसरो मिशंस के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि इसरो अब एक्सपीओ सेट के लिए तैयार हो चुका है। ये एक्सपीओ सेट्स रेडी हैं और इनको PSLV रॉकेट के जरिए नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ा मिशन INSAT-3DS को भी लॉन्च किया जाएगा, जो एक जलवायु उपग्रह है, और इसे दिसंबर के अंदर ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इसरो SSLV-D3 की लॉन्चिंग करेगा, जो एक छुटकू रॉकेट है, यानी ये रेडी ऑन डिमांड वाला रॉकेट है, और इसकी लॉन्चिंग तीसरी बार होने वाली है। वहीं इसके साथ ही इसरो नासा के साथ भी मिलकर के एक बड़ा मिशन कर रहा है, और उसका नाम है निशार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दोस्तों, इसको लेकर के अब इसरो पूरी तरह आशान्वित हो चुका है, और ये इसी साल के अंदर या फिर अगले साल के शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। मतलब दोस्तों, अब इसरो का असली धूमधड़ाका स्टार्ट हो चुका है। इसी चीज से चीन बौखला रहा है, और उसने चंद्रयान 3 के ऊपर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसरो ने उनकी बोलती बंद कर दी है, क्योंकि
कि भारत के पास में इस मामले में पूरा ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। वहीं दोस्तों नासा भी इस मामले में भारत का ही सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी भारत के दावे को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर रही है। मतलब दोस्तों चीन ने जो सवाल खड़े किए हैं उससे पूरी दुनिया भाव तक नहीं दे रही है। और बड़ी बात यह है कि चीन के ही कुछ वैज्ञानिकों ने अपने टॉप साइंटिस्ट की हवा निकाल करके रख दी है।